आया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप सभी लोग सही होंगे यार। तो गाइज, आज चल रहे हैं अपने स्टिकर की शॉप में, जो हमने जो करवाना है बाइक में जो काम। तो स्टिकर में क्या करवाना है गाइज़? ये जो हेडलाइट है पूरा ऑल ब्लैक करवाना है, मतलब ब्लैक नहीं करवाना है, स्मोकी ब्लैक करवाना है, जो स्मोकी वाला होता है, तो ट्रांसपेरेंट ब्लैक होता है वो। और जो ये हमारी जो DRL है, DRL को शायद हम रेड करवाएं, वो वहीं जाके शॉप में जाके पता चलेगा। बाकी देन वहीं पे चलते हैं, पहले कर लेते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट। एंड गाइस, जो पीछे वाली जो हमारी लाइट है बैक लाइट, इसको भी हम स्मोकी ब्लैक करवाने वाले हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगेगी। बाकी वहीं शॉप में चल के पता चल जाएगा आप लोगों को कि कैसा लगने वाला है स्टिकर इस पर। तो मतलब डार्क होगा, मतलब पूरा ऑल ब्लैक तो नहीं होगा, स्मोकी ब्लैक होगा, आप लोगों को साथ पता चल चुका होगा। एंड गाइस, जो सामने वाला जो हेडलाइट है इसको हम ब्लैक करवाएंगे स्मोकी, तो दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो बहुत ड्यूक 390 में देखा है, तो हम अपने भी वाली में करवा लेते हैं। बाकी चल रहे हैं वहीं शॉप पर, बाकी स्टार्ट हो चुकी होगी। एंड गाइस, जो सामने वाला जो हमारा DRL है ना, उसको अगर रेड करवाएंगे तो देखने में कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लगेगी, तो वो भी चीज़ ट्राई कर लेते हैं यार अपनी बाइक में भी। सो देन गाइस, चल रहे हैं फिर वहीं पे सीधा शॉप पर। और भैया कैसा बोलते हैं, अगर उन्हें अगर बोलेंगे कि पूरा ऑल ब्लैक करवा लो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगी, तो ऑल ब्लैक करवा लेंगे। एंड गाइस, बाकी जो मेरी जो चॉइस है वो तो मतलब स्मोकी ब्लैक करवाने का है, तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइस कैसी लगेगी बाद में। अरे बढ़िया बढ़िया, तो ये कुछ सब्सक्राइबर है भाई, बस न्यू शूट पे। हाँ, तो सब्सक्राइबर यार मिलते हैं तो यार अपनों को भी खुशी होती है यार, इन्हें भी खुशी होती है। हाँ तो गाइज़, मैं ये कह रहा था यार, जो आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब लाइट जब ब्लैक हो जाएगी अपनी, तो इसमें सही लगेगी या जो मैं रेड करवा लूँगा, जो अपनी DRL है सामने वाली वाइट वाली, अगर वो रेड करवा लूँ तो आप लोग बताना, अगर सही लगे तो कमेंट करके, अगर नहीं लगा सही तो मैं उसे भी उतरवा दूंगा, कोई नहीं चेंज होता रहेगा, कोई नहीं यार, अपनी बाइक है, खेती है घर की, कोई दिक्कत नहीं है यार। एंड गाइज़, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत मेरी मोटी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि गाइज यार अभी गर्मी के दिन है, मतलब शाम होती है तो ही ब्लॉग शूट करने का मौका मिलता है, मतलब दिन भर वेट करो, मतलब एडिट वगैरह में सब कुछ निकल जाता है सारा दिन, मतलब दोपहर में थोड़ा वो सोने को मिल जाता है, मतलब सो के उठ के फिर थोड़ा बाइक वाइक निकाल के, तो यार गाइज आवाज़ थोड़ी मोटी हो ही जाती है यार मोटो ब्लॉग में। कोई नहीं गाइज, आप लोग मोटो ब्लॉग का इन्जॉय करो, उसको थोड़ा बहुत इग्नोर करो, वो थोड़ी बहुत आगे जाके सही हो जाएगी ऑटोमेटिक। एंड क्या कहते हो गाइज, भगाए थोड़ा सा पहले गेट से, दे RPM फुल यार, मेरा मिरर भी बहुत लूज़ हो रहा है यार, इसको भी थोड़ा टाइट करवाना है। चलो फिर रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। गजब यार गाइस, एंड गाइस चल रहे हैं फिर सीधा वहीं पे शॉप पर। और भैया से पूछते हैं फिर कौन सा मतलब बढ़िया रहेगा, स्मोकी ब्लैक या मतलब ऑल ब्लैक, और जो रेड वाला है DRL का वो भी देखते हैं। एंड पीछे का जो बैक लाइट है वो तो करवाना ही है स्मोकी ब्लैक, वो थोड़ा देखने में गाइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, तो वो भी देख लेंगे। एंड गाइस, शॉप आने वाली है सामने और फिर चल रहे हैं वहीं पे। क्या हाल है सभी के, कर दोगे तुम काम, कर दोगे आज? क्या करना है?
सामने का हेडलाइट ब्लैक करना है, इसमें ओवल होगा, स्मोकी ब्लैक है ना, लगा ही दोगे तुम तो? कर दो फिर, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी अब। भैया कहाँ है? क्यों जब भी मैं आता हूँ तो आता ही नहीं है, फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, फिर फ़ोन करके देखो एक बार। ये वो करना है, ब्लैक करना है, ठीक है। और रेड है तुम्हारे पास? रेड भी है, ठीक है ठीक है, सब हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड गाइस करवाने वाले हैं इसको रेड DRL को, एंड इसको करवाने वाले हैं स्मोकी ब्लैक, तो ये होने वाला है रेड DRL में और स्मोकी ब्लैक ये हो गया। एंड पीछे वाली जो बैक लाइट है उसमें भी करवा लेंगे। तो गाइस पहले इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही लग पाएगा यहाँ पे। और सीट भी हटानी पड़ेगी, सीट भी खोलना पड़ेगा फिर है। हाँ सीट तो ऐसे ओपन हो जाएगा। अब देखो गाइस लेयर निकल चुकी है और हमारी जो DRL है पूरी रेड हो चुकी है दोनों साइड से, तो कुछ लग रही है गाइस, जो नाइट वाला व्यू होगा वो कुछ औसम लगेगा। एंड अभी स्मोकी ब्लैक पूरा लगा नहीं है, अभी एक बार आपको ऐसी हेडलाइट जला के दिखा दे रहा हूँ मैं कैसी लग रही है। ये देखो गाइस लग रही है ना बढ़िया, कमेंट करके बताओ यार गाइस, और नहीं लग रही तो भी बता दो कमेंट करके, नहीं तो निकलवा देंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी औसम है यार। सो फाइनली गाइस स्टीयर का काम हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे DRL हमने रेड करवा ली है, जो थोड़ी पिंक टाइप की नज़र आ रही है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। एंड स्मोकी ब्लैक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड आपको लाइट जला के दिखाता हूँ एक बार, तो रात में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है गाइस बाइक अपनी। एंड गाइस इसके बाद थोड़ा बहुत अपने दिनेशपुर आ चुके हैं, उसके बाद रिएक्शन देखते हैं थोड़े बहुत क्या मिलते हैं। एंड पीछे की जो बैक लाइट है ये भी स्मोकी ब्लैक में, देखो गाइस कितना प्रीमियम लग रहा है। एंड अभी ब्रेक प्रेस करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो गाइस देखा मज़ा आ गया ना, तो कमेंट करके बताना यार, थैंक यू। तो गाइस कमेंट करके बताना कैसी लग रही है बाइक अपनी, मतलब लाइटिंग के साथ, और अच्छी नहीं लगी तो भी बता देना, मतलब फिर चेंज करवा सकें या कुछ और मोडिफिकेशन करनी हो तो आप कमेंट करके बताना, और ये अच्छी लगी हो तो आप बताना यार, आप लोग कमेंट करके तो बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी चल रहे हैं सीधा दिनेशपुर और वहाँ के थोड़े बहुत रिएक्शन देखते हैं। एंड गाइज आप लोग जब कमेंट करते हो यार, थोड़ा बहुत प्यार देते हो यार, बहुत अच्छा लगता है यार देख के कमेंट पढ़ के। एंड दिस इज गाइज बेबी विस्ट, ये भी किसी ने कमेंट पे बताया, ये भी अच्छा लगा सुन के। तो भाई चलो एंड गाइस फिर कभी दिनेशपुर आके एक रिएक्शन वीडियो शूट कर लेंगे, जिस दिन मतलब मार्केट वगैरह हो तो रिएक्शन ज़्यादा मिलते हैं। एंड इस ब्लॉग को करते हैं गाइस यहीं एंड, और अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अन चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जो नए हो इस चैनल पे। ठीक है गाइस बाय बाय, मिलते हैं फिर।